आज हम फिर चर्चा करने आए हैं कोविड-19 की हालात इस वक्त हमारे देश में कैसा है और किस रास्ते पे हम चल रहे हैं। पहले थोड़ा सा आंकड़े देख लेते हैं। इस वक्त हमारे जो पिछले 24 घंटे की अपडेट है जिसपे आंकड़े हम देखते हैं, उस पर लग रहा है कि इस वक्त हमारा केसेस 1.5 लाख के पास पहुंच रहा है। ये बहुत दिनों के बाद इतना बड़ा फिगर हमारे सामने आया कि एक दिन में 1,44,000, 1,45,000 लोग जो है कोविड-19 के शनाख्त हुए हैं, आइडेंटिफाइड हुए हैं कि उनकी पिछले 24 घंटे में इतने भारी नंबर्स में ये हुआ है। और दुनिया के हालात को देखते हुए ये सबसे बड़ा फिगर है। अगर हम देखें तो भारतवर्ष इस वक्त सबसे ऊपर है 24 घंटे में। न्यू केसेस जिसे कहते हैं वो अगर देखें, हम सबसे ऊपर है। इसके बाद ब्राज़ील, अमेरिका, फलाना ढमाका और भी मुल्क हैं, पर हम सबसे इस पे ऊपर आ रहे हैं, आए हैं। और ये पोजीशन हमारी काफी ऊपर है, सिर्फ ऊपर ही नहीं है, काफी ऊपर है, क्योंकि और जितने मुल्क हैं वो 1 लाख के नीचे हैं पिछले 24 घंटे में। जैसे ब्राज़ील 90,000 के लगभग है, अमेरिका 85,000 के लगभग है, तो हम सबसे आगे हैं। और डेथ रेट की अगर बात करें उसमें भी हम तीसरे स्थान पे हैं। डेथ रेट आपकी इन्फेक्शन रेट को थोड़ा फॉलो करता है। इसका मतलब आज अगर आप 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें से अगर 2 या 3 की संख्या में मौत होती है, वो करीब 3 हफ्ते बाद में, 2 हफ्ते बाद में या 4 हफ्ते में बाद भी होती है। तो इसीलिए डेथ रेट का जो आप देख रहे हैं, ये पिछले 3 हफ्ते की जो लोग बीमार थे उनकी डेथ रेट हम देखते हैं। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी डेथ रेट कि नए इन्फेक्शंस की जिस तरह हो रहा है उतने लोग शायद मर नहीं रहे हैं, तो शायद इस पे हमारी हालत थोड़ी अच्छी है, ये हकीकत नहीं है। देखना पड़ेगा 3 हफ्ते के बाद क्या हालत होती है डेथ रेट की, क्योंकि वो थोड़ा सा पीछे चलता है इन्फेक्शन रेट से। अगर हम देखें कि कौन कौन सा प्रदेश में क्या हाल है, तो हम आपके साथ आपको ले जाते हैं हमारे जो कोविड ट्रैकर चार्ट्स है, तो उसमें अगर हम जाएं तो देखेंगे महाराष्ट्र करीब 35 से 40% नए केसेस की इस वक्त दिखा रहा है आंकड़े, और इसके बाद छत्तीसगढ़, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात है, थोड़ा पीछे है। तो उनमें महाराष्ट्र करीब 50,000 के लगभग जा रहा है, और ये प्रदेश जो है 10,000, 8,000, 6,000 इस तरह के नंबर्स पे जा रहे हैं। पर इससे संतुष्टि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें किस रफ्तार से बढ़ रहे हैं तो ये सब प्रदेश बड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब फैलाव कोविड-19 की इन प्रदेशों में भी काफी हद तक हो चुकी है, और ये आंकड़े बढ़ेंगे, फ्लैटन होने की कोई गुंजाइश यहाँ पर दिख नहीं रहा है। और जो हमने यहाँ पर दिखाया नहीं है, पर अगर उसमें जाते हैं तो और भी जो चिंताजनक बात है कि सभी प्रदेशों में आगे बढ़ने की रफ्तार करीब करीब एक ही है। तो इसीलिए लगता है कि फैलाव इस वक्त कोविड-19 की काफी बड़े पैमाने पे हो चुकी है। तो ये क्या सच है कि जो पहले लोग बीमार पड़े थे फिर दोबारा बीमार पड़ रहे हैं, ये हकीकत है? नहीं, ज्यादातर जगहों पे जो देखने को मिल रही है कि वो ये है कि जो लोग बीमार उस वक्त नहीं पड़े थे इस वक्त बीमार पड़ रहे हैं। इसका मतलब कि ये कोविड-19 की फैलाव पॉकेट्स की तरह होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक ही तरह फैलता है। पॉकेट टू पॉकेट इसमें बढ़ोतरी होती है, और जो कनेक्शंस आपके लोगों के साथ है उस तरह से होता है। तो इसका फैलाव और इसका गिरना दोनों इस तरह से बताई नहीं जा सकती निश्चित रूप से कि ये होने वाला है कल या परसों, ये होने वाला है। हम हफ्ते की बात कर सकते हैं। इस वक्त
पिछले बढ़ोतरी की रफ्तार को देखते हुए हमें कोई फ्लैटनिंग नजर नहीं आ रहा है कर्व की, इसके मतलब ये बढ़ोतरी जारी रहेगा। अब ये चिंताजनक बात है कि हम ऐसे फिगर्स पे पहुंच रहे हैं जिससे हम पिछले बार की फिगर शायद क्रॉस कर जाएंगे और अभी भी कर्व की फ्लैटनिंग होने की कोई संभावना और कोई इस तरह की गुंजाइश नजर नहीं आ रहा है, ये चिंता की बात है। ये सरकार का कहना यह है कि लोगों ने जिम्मेदारी से अपना रोल पूरा नहीं किया, नेग्लिजेंस रहा, वो ध्यान नहीं दिया, मास्क की जो COVID-19 महामारी के वक्त जो उनको जो सावधानी बरतनी चाहिए वो उन्होंने नहीं बरता, ये सरासर दोष जनता के ऊपर दी गई है। पहली बात तो हम कहना चाहेंगे, हमने इस COVID-19 की चर्चा जब जारी रखते थे तब भी हमने कहा था, आप जो कह रहे हैं कि फरवरी तक ये महामारी खत्म हो जाएगा भारतवर्ष से, आपने कोई सुपर मॉडल बनाया था, इसके जरिए आपने सबको बताया फरवरी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सचमुच फरवरी में ग्राफ नीचे आ गया था तो लोगों को लगा कि सरकार सही कह रही है, सुपर मॉडल ने बताया है कि महामारी खत्म हो गया हिंदुस्तान से। तो यह गैर जिम्मेदाराना अगर काम किसी ने किया है तो सरकारी प्रवक्ताओं ने, सरकारी नुमाइंदों ने, जो बार बार ढिंढोड़ा पीट के हमको समझाया था कि महामारी फरवरी तक खत्म हो जाएगा, सरकार ने बड़ी अच्छी काम किया है, बहुत सारी चीजें की है और इसके वजह से सब कुछ ठीक है, तो ये तो सरासर गलत निकला। तो पहली बात तो स्वीकार कीजिए कि आपका सुपर मॉडल की थ्योरी पूरी गलत थी और इसका बढ़ोतरी और इसका घटना दोनों पे आपका कोई हाथ इस तरह से नहीं था। सिर्फ हम जो कर सकते हैं वो सख्ती बरत सकते हैं, आपका जो लॉकडाउन वगैरह है, और जितने लॉकडाउन करेंगे इकोनॉमी की हालत और भी खराब होगी और जनता की हालत और भी खराब होगी। तो इसको देखते हुए आपको जो सावधानी पहले से बरतनी चाहिए थी वो आपने नहीं बरता, कि कैसे इसको खोले, कितना खोले, कितनी लोगों को कहे खोलने के बाद भी कि आप मास्क पहनिए, अब बड़े सावधानी बरतिए क्योंकि COVID-19 खत्म नहीं हुआ है, ये चीज आपने कहा नहीं। इसके वजह से, आपकी बातों के वजह से, जो गैर जिम्मेदारी की आप बोझ जनता पे दे रहे हो, ये तो आपको लेनी चाहिए कि हमारी गलती हुई थी, हमको ये कहना नहीं चाहिए था। इसके वजह से एक लोगों में एक समझ आया कि शायद महामारी खत्म हो गई, ये हमारी गलती थी। दूसरी बात आए कि आप देखिए, जो पहले से हम कहते आए हैं कि वैक्सीन के अलावा हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं ये हो नहीं सकता, मतलब कि वैक्सीन के अलावा हम इस महामारी पे कंट्रोल नहीं, काबू नहीं पाएंगे, ये हमने बहुत दिन से, सत्यजीत रथ हमारे साथ रहे हैं और भी चर्चे हुए हैं इस पे, हम लगातार इस चीज को कह रहे हैं कि COVID-19 पे काबू हम तभी ला पाएंगे जब हम वैक्सीनेट करेंगे, लोगों को टीका देंगे। तो टीका की रफ्तार बढ़ाने की जरूरत थी बहुत पहले से, और टीका के प्रबंध करने की तो जरूरत थी पहले से। अब देखिए, इतने रफ्तार से जब लोगों की संख्या बढ़ रही है नए इन्फेक्शंस की, तब टीका बढ़ोतरी की बात अब कर रहे हैं। ये जो बढ़ोतरी होती है बीमारों की, ये जिसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल राइज होती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। टीका का प्रबंध कराना उस तेजी से आप कर नहीं सकते अगर पहले से उसकी इंतजाम आपने नहीं किया। और यही अब देखने को मिल रहा है कि 3 दिन 4 दिन से ज्यादा स्टॉक प्रदेशों में है नहीं, और अगर वैक्सीनेशन का जो आप कर्व देखें जो हमारे सामने है, वैक्सीन ट्रैकर है, अब देखिए जितने प्रदेशों में काफी हद तक वैक्सीनेशन चल रही है, सब जगह कर्व जो है वैक्सीनेट करने की फ्लैट हो रही है। क्यों? क्योंकि वैक्सीन और मात्रा में पहुंच नहीं रही है और उसको बढ़ाने का संभावना इस वक्त नहीं है, आपके पास स्टॉक नहीं है। तो स्टॉक पहले से क्यों नहीं मुआयना आपने इंतजाम किया, तो इसकी जो एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, आज पूरी तरह से आपको नहीं कह पाएंगे, पर मोटी मोटी बात जो ये है कि हमारे पास कुछ जगहों पे वैक्सीन बनाने की कारखाने हैं,
बड़े कारखाने हैं, छोटे कारखाने नहीं है, बड़े कारखाने हैं, और वो बहुत दिन से वैक्सीन बनाना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा है सीरम इंस्टीट्यूट, सभी उसको नाम जानते हैं। वहाँ पर बहुत पहले से उन्होंने कहा था हमने 60 मिलियन तक महीने की हम डोज दे पाएंगे, अगर इससे ज़्यादा डोज चाहिए तो ये तो आप एडवांस आप हमें ऑर्डर्स दीजिए जिसके ज़रिए हम पैसे आप हमें देंगे तो हम अपना कैपेसिटी बढ़ाएं। ये तो हमें कम से कम 3,000 करोड़ की आप इंतजाम करिए ताकि हम वैक्सीन का जो बनाना है इसको हम बढ़ा सकते हैं। 100 मिलियन पर डे की हम कैपेसिटी, 100 मिलियन पर मंथ की कैपेसिटी में हम रन कर पाएंगे अपने फैक्ट्री अगर ये चीज़ें प्रबंध किया जाएगा। तो इनकी बातों सरकार ने तो कुछ अगर बात किया हो हमको नहीं मालूम, कोई रिस्पॉन्स पब्लिक नहीं है, बल्कि ये भी मालूम है कि ऑर्डर्स बहुत देर में दी गई है। तो अब जो है सीरम इंस्टीट्यूट को कहा जा रहा है, और कहीं भी पुराने ऑर्डर्स आपके पास विदेश की हो ना हो, अब हमें पहले सप्लाई कीजिए। वाजिब है कि हमारे देश पे कारखाने हैं, पहले हम लेंगे, पर दुनिया के हिसाब में देखिए कि हम जो एक गुडविल पा रहे थे कि हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे, अपने देश के लोगों को भी दे रहे थे, चीन और हिंदुस्तान के अलावा और किसी ने नहीं किया, तो उस पर हम भी एक गलत तस्वीर लोगों के सामने खड़े कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपने यहाँ पर और वैक्सीन बनाने का इंतजाम नहीं किया। तो ये कि हम कर सकते थे, करना चाहिए था 3 महीने पहले, आज नहीं 3 महीना पहले करना चाहिए था इसको। दूसरी बात, पुनावाला जो आदर पुनावाला सीईओ है सीरम इंस्टीट्यूट के, वो भी कह चुके हैं कि अमेरिका का एक्सपोर्ट पे इस वक्त बैन है, वो इंटरमीडिएट जो गुड्स है कि फिल्टर्स है, केमिकल्स है, कल्चर्स है, ये हमें चाहिए, ये अमेरिका से मिल नहीं रहा है। सरकार इसके लिए अमेरिका से बात करे ताकि हमें सप्लाईज मिले, क्योंकि वहाँ फाइजर को ये चीज़ें उपलब्ध कराने के लिए इसकी बैन अमेरिका ने लगा दी है कि हम बाहर अब इसका एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, दूसरी बात है। तीसरी बात है, सीरम इंस्टीट्यूट के अलावा भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स हिंदुस्तान में है। सबसे जो और वैक्सीन जो बहुत कामयाब है विदेश में, 35 देशों में उसकी एक्सेप्टेंस है, चल रही है, और भी करीब 20 देश है जिसपे अभी उसको क्या कहते हैं इमरजेंसी यूज की ये मिलेगी, प्रबंध मिलेगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कौन सी वैक्सीन है आपकी, गमालिया की स्पुटनिक 5। स्पुटनिक 5 रेड्डीज लेबोरेटरी 4 बार डेटा देख चुका है इमरजेंसी यूज को क्लियर करने के लिए, जो हमारे यहाँ पर बॉडी है जिसको देखभाल करती है, तो 4 बार उनको कहा गया है और भी डेटा दीजिए। अब देख लीजिए, भारत बायोटेक ने बिना फेज 3 की कोई डेटा दिए हुए उनको छूट दी गई थी वैक्सीनेट कराने की, क्लिनिकल ट्रायल मोड में कहा गया, एक दस्तखत ली जाती थी लोगों से और कुछ नहीं था, क्लिनिकल ट्रायल मोड की जो बात कह रहे हैं, हमने परमिशन दी, हमने उस वक्त कहा था बहुत अच्छा नहीं हुआ पर इमरजेंसी है देखते हुए शायद ठीक भी है। आज जब आप इस स्थिति में पहुंच चुके हो, इस तेजी से आपके यहाँ संख्या बढ़ रही है, तो भी आप रूस की इस स्पुटनिक 5 वैक्सीन को क्लियरेंस नहीं दे रहे हो, जबकि यहाँ पर 5 कंपनियां यहाँ पर इस वक्त इनके साथ दस्तखत कर चुकी है आपका उत्पादन का, जिसकी कैपेसिटी 850 मिलियन होगा 12 महीने में। तो ये जो इतनी बड़े पैमाने पे लोग वैक्सीन बनाने के लिए तैयार है, उसको जल्दी क्यों नहीं इजाजत मिल रही है, इस वैक्सीन की इस्तेमाल क्यों नहीं शुरू हो रही है, एक हमारे लिए एक अजीब सवाल बन के रह गया है। इसका कोई हमें मतलब नहीं समझ में आ रहा है सरकार की, इसमें क्यों जल्द इसके क्यों नहीं इसको आगे बढ़ा रही, जल्दी से क्यों नहीं बढ़ा रही है, ये हमें अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता है कि चीन के वैक्सीन आप नहीं लेना नहीं चाहते क्योंकि चीन के साथ आपका बॉर्डर में टेंशन है, ठीक है समझ लिया। आप अमेरिका के वैक्सीन ले नहीं सकते, वो आपको देने के लिए तैयार है ही नहीं, वो अपनी वैक्सीन की बात तो दूर रखिए, और किसी को दे नहीं रहे उसकी भी दूर रखिए, वो इंटरमीडिएट केमिकल्स वगैरह भी आपको सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। तो और वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स है क्या हिंदुस्तान में जो वैक्सीन मैन्युफैक्चर करें,
पहले तो देखिए जॉनसन एंड जॉनसन की, उसकी एक सब्सिडी है जैनसन करके, उसकी एक वैक्सीन काफी कामयाब वैक्सीन है क्लिनिकल ट्रायल से जो निकला है, और उसमें यहाँ पर उसके उत्पादन करने के लिए बायोलॉजिक ई करके एक कंपनी है, वो करीब 600-700 मिलियन डोज साल में बनाने के लिए तैयार है। सिंगल डोज वैक्सीन है, दो बार नहीं लेना पड़ेगा, एक ही बार लेना पड़ेगा। तो ये उनके यहाँ उत्पादन शुरू कैसे की जाए, उसको क्या मदद कर सकती है सरकार, क्या एडवांस ऑर्डर दे सकती है, उसके इमरजेंसी यूज क्या एक्सपीडाइट कर सकती है, तो ये सब सवाल हमारे सामने है। और यहाँ भी आपको बताना चाहेंगे, महिमा दातला उनकी सीईओ है, उन्होंने पब्लिक किया है इस चीज को फाइनेंशियल टाइम्स में, इनका अदर पुनावाला सेरम इंस्टीट्यूट का, दोनों का वक्तव्य आ चुका है कि अमेरिका इस वक्त एक्सपोर्ट अगर इंटरमीडिएट ग्रुप्स की नहीं करेगा तो हमारे वैक्सीन यहाँ जो बनना है दुनिया के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, वो बनने में दिक्कत आएगी। और नोवावैक्स करके एक कंपनी है, उसका भी एक वैक्सीन है, उसका भी सीरम इंस्टीट्यूट से टाई अप है कि 1 बिलियन डोजेस वो साल में बनाएंगे। उसकी भी शुरू करने के लिए एक तो उसकी क्लिनिकल ट्रायल्स की रिजल्ट्स चाहिए, अभी तक नहीं हुआ, पर इसके बाद इमरजेंसी यूज की जरूरत भी होगी, यहाँ पर उसकी ये चाहिए, इजाजत चाहिए। और तीसरी बात, उसकी उत्पादन के लिए जो आदर पूनावाला कह चुका है कि हमें अमेरिका की मदद चाहिए, वहां से जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगा चीजें तो हम ये सब चीज कर नहीं पाएंगे। तो इन चीजों पे फोकस करना चाहिए सरकार को, कैसे इन कंपनियों को ये तो उधार दे, बैंक से लोन दे। आप इतने बड़े देश चला रहे हैं, 3,000 करोड़ की आदर पूनावाला ने अगर लोन मांगा है, पैसा मांगा है, बहुत ज्यादा है नहीं, देश की महामारी को देखते हुए आपके इतने सारे कर्ज आप दे रहे हो, आप रफाल हवाई जहाज इतने महंगा खरीद रहे हो, तो इसके लिए 2 जहाज कम खरीद के इनको कुछ पैसे देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आप करें, ये तो आप इंतजाम करें कि उसकी बाहर वो चीजें बेच पाए, उसके एवज में उनको पैसा मिले। तो ये सब ना करके सिर्फ लोगों को कहना कि वे जो ऑपोजिशन स्टेट्स है वो बहुत ऐसे मांग रहे हैं वैक्सीन, वैक्सीन की स्टॉक तो है, ये सब कह के लोगों को आप सिर्फ खामखा दूसरे रास्ते में ले जाना चाहते हो। हकीकत है इस वक्त वैक्सीन की स्टॉक आपके पास बहुत कम है, जितना आपको बढ़ाना चाहिए वो बढ़ा नहीं पा रहे हो। और इसकी जो बुनियादी बात है कि उत्पादन बढ़ाने की जो जरूरत है, उसका जो काम आपको 2 महीना पहले करना चाहिए था, आपने किया नहीं, यही हकीकत है। यही इसी वजह से आज हम महामारी की इस गिरफ्त में है, जहां पर हमें वैक्सीन के अलावा और कोई चारा नहीं है, और वैक्सीन अभी हम उस रफ्तार से बढ़ा नहीं पाएंगे, कम से कम और 1 या 2 महीना तक, और तभी बढ़ा पाएंगे जब इसके लिए सरकार सिर्फ भाषण ना दे पर एक्चुअल प्लानिंग में अपने आप को लगाएं, अपने जो सरकारी नुमाइंदे सेक्रेटरीज है सबको अखबार में सिर्फ बयान ना दे पर इनके साथ बैठ के प्लान बनाए, कितना रकम चाहिए, कहाँ से आएगी, कैसे वो वापस आएगी, ये सब बातें करें। पर ये समझ लीजिए कि अगर ये नहीं हुआ फिर लॉकडाउन के अलावा चारा नहीं होगा, और लॉकडाउन अगर होगा तो जिस तरह से जनता इस पे पिसी है और भी पिसेगी, और हमारी इकोनॉमी अर्थनीति की हालत और भी खराब होगी। जो हम कह रहे हैं कि 12% हमारी जीडीपी इस साल बढ़ जाएगा, पिछले साल बहुत घाटा हुआ है पर इस बार हम ठीक ठाक हो जाएंगे, ये हो नहीं पाएगा। हम बहुत पहले से कहते आए हैं इकोनॉमी तभी सुधरेगी जब आप इस महामारी पे काबू हो पाएंगे, और तभी काबू हो पाएंगे जब देश की जनता को अब वैक्सीनेट करेंगे। और इस महामारी की जिस रफ्तार से बढ़ रही है, इस वक्त वैक्सीनेट करना इसका मतलब है आप पीछे पीछे भाग रहे हो, आपको पहले काम करना चाहिए था। और जब आपकी महामारी कम होगी तब अर्जेंसी रहेगी, अब लोगों को वैक्सीनेट करिए। और ये मत भूल जाइए, हो सकता है 1 महीना बाद ग्राफ नीचे आए, वैक्सीनेट करने की जरूरत तभी भी रहेगी, पहले आप भूल चुके थे इसीलिए आज की हालत है, और ये दोबारा गलती ना करें, और सबके साथ मिल के आगे बढ़ने की बात करिए। इस तरह
अंतरराज्य कलहों में और केंद्र वर्सेस ऑपोजिशन की इस तरह के झगड़ा से देश की ये स्थिति सुधरेगी नहीं। आज के लिए इतना ही, देखते रहिएगा न्यूज क्लिक। Thank you.